नमस्कार दोस्तों, टीजी को ग्रोड आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह से वीडियोस को एडिट कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, दो एप्लीकेशन जो बेस्ट एप्लीकेशन है यूट्यूब वीडियोस को एडिट करने के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, आपके पास एडोब प्रीमियर नहीं है, तो आप अपने फ़ोन से ही वीडियो एडिट कर सकते हैं। वाटरमार्क की चिंता मत करिए, कौन सा एप्लीकेशन जो बेस्ट है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसी एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सो मेरा नाम है महेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट्स यूज चैनल को। तो क्या कहते हैं शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कौन सा जो एप्लीकेशन है जो बेस्ट एप्लीकेशन है वीडियोस एडिटिंग के लिए। दोस्तों जो पहला एप्लीकेशन है वो है पावर डायरेक्टर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लोगो देखने को मिलता है, पावर डायरेक्टर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है एप्लीकेशन। तो मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करके, ये साइबर लिंक का एप्लीकेशन है पावर डायरेक्टर, तो मैं इस एप्लीकेशन का भी यूज़ करता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने दो तीन वीडियो एडिट किया है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, यहाँ पर एडिट प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एडिट किया है, कुछ इस तरह से आप एडिट कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहां से जाना होगा न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, उसके बाद करना होगा ओके। ओके करने के बाद आपको इस तरह से अपना प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए पहले। तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको कट कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ तक आपको अगर काटना हो तो आपको वापस सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये करना होगा सिलेक्ट। तो इतना जो पोर्शन है वो आपको इस तरह से डिलीट कर देना होगा। तो बाकी का जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। साथ ही साथ अगर आप इसमें म्यूज़िक भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है वीडियो और म्यूज़िक, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा ऑडियो फाइल। तो यहाँ से आप ऑडियो फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने वॉइस रिकॉर्डर में यहाँ कहीं से भी जाके वो फाइल डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑडियो फाइल आ गया है। तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से ऑडियो वीडियो दोनों एडिट कर पाएंगे इस एप्लीकेशन से। साथ साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना होगा, कोई इमेज डालना हो, तो आप इस ऑप्शन से जाके इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इमेज आपको डालना हो। इसमें आप दो लेयर में इमेज डाल सकते हैं, ये ऊपर का लेयर है, साथ ही साथ इसके अंदर नीचे का भी लेयर आता है। आप देख सकते हैं दोनों लेयर में आप इमेज डाल सकते हैं इस पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो कुछ इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं इसको, आप आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं और भी सारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा वीडियोस डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, स्ट्राइकर्स भी डाल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। अगर आपको इसके बीच में कोई इफेक्ट डालना हो तो आप देख सकते हैं मैं इफेक्ट डाल देता हूँ। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसमें मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही प्ले होता है आपको दिखाता हूँ इफेक्ट। आप देख सकते हैं ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट आपको इसमें भी मिल जाएगा, टेक्स्ट के अंदर भी आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा। वीडियो के अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, वॉल्यूम, रोटेशन, स्पीड, फ्लिप, स्किन स्मूदर, कलर, क्रॉप, डुप्लीकेट, रिवर्स, जो भी आप करना चाहते हैं आप इस एप्लीकेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे, इसके अंदर आपको करना होगा प्रोड्यूस वीडियो, उसके बाद आपको यहाँ करना होगा सेव टू गैलरी और एचडी कार्ड। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करें तो आपको एचडी और एचडी में ही वीडियो आउटपुट देखने को मिलेगा, प्रोड्यूस करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप परचेस किया हुआ वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल एचडी और अल्ट्रा 4K में भी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे इस वीडियो को कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रिपेयरिंग हो जाएगा। प्रिपेयरिंग होने के बाद जो प्रोजेक्ट का जो काम होगा वो कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कर पाएंगे। अगर आपका परचेज वर्जन नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर मार्क आएगा, यहाँ पे नीचे वाटर मार्क आएगा। तो YouTube पे ऐसी बहुत सारी YouTube पे ऐसा बहुत सारा वीडियोस है जिससे आप वाटर मार्क क्रैक करके हटा सकते हैं, तो उसके लिए आप YouTube से देख सकते हैं वीडियोस। तो दोस्तों ये पहला एप्लीकेशन है। दोस्तों जो दूसरा एप्लीकेशन वो इसका एडवांस, थोड़ा सा एडवांस लेवल का एप्लीकेशन है जिसका नाम है काइन मास्टर। सबको पता होगा काइन मास्टर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काइन मास्टर दिखता है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोजेक्ट में जाइए, अपना टाइटल डाल दीजिए, उसके बाद कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे आप वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप वीडियोस को, जिस भी वीडियोस को आप एडिट करना चाहते हो। तो मैं वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं मैं वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ नेक्स्ट। थीम अगर आपको लेना थीम ले सकते हैं, मुझे थीम लेना नहीं है। उसके बाद फिर कर देता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद अगर आप इसमें से कुछ टेक्स्ट वेक्स डालना चाहते हो डाल सकते हैं, मुझे उससे कुछ करना नहीं है। उसके बाद फिर
मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया है ये, तो कुछ इस तरह से आप इसको एडिट कर पाएंगे। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप कट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपको पावर डायरेक्टर में नहीं मिलेगा, बहुत सारे इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, स्पीड कंट्रोल, रोटेशन, कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट, वॉल्यूम इन्वॉल्व और भी बहुत कुछ इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा इस काइन मास्टर के अंदर। तो अगर इसमें आप और लेयर डालना हो तो आपको यहाँ से लेयर सिलेक्ट करना होगा। लेयर सिलेक्ट करने के बाद आप हैंड राइटिंग, टेक्स्ट, स्टिकर्स, इमेज, वीडियोस लेयर में डाल सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे लेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पावर डायरेक्टर यूज़ करते हैं साइबर लिंक वाला, तो आप इसमें सिर्फ दो लेयर ही बना सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड है। लेकिन आपको इस काइन मास्टर में कोई लिमिटेड नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने डाल दिया है, यहाँ पे आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको इफेक्ट देना हो तो आपको जाना होगा यहाँ पे एनिमेशन के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, कलर फिल्टर, अल्फा, कलर एडजस्टमेंट और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाता है। मैं ऑल ओवर एनिमेशन देख लेता हूँ, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। मैं फाउंटेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप जैसे कुछ इस तरह से फाउंटेन एनिमेशन आएगा। तो चलिए इसको प्ले करता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कैसा एनिमेशन है ये। तो आप देख सकते हैं इसको मैं प्ले कर दिया है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस टाइप से एनिमेट करेंगे, इस टाइप से एडिट करेंगे अपने वीडियोस को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इस टाइप से अगर एडिट करते हैं अपने YouTube वीडियोस को। इसमें और भी कुछ एडवांस लेवल आपको मिल जाता है, जैसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना, तो ग्रीन स्क्रीन को भी आप इस काइन मास्टर से रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप इसको वीडियोस को प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट बनाते हैं इसका, तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे। इसके अंदर आपको वापस से उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इस शेयर लोकेशन पे, शेयर लोगो पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव टू गैलरी देखने को मिलेगा, तो सेव टू गैलरी आप कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं हाई डेफिनेशन और लो क्वालिटी दो ही आएंगे। इसमें आपको फुल HD और 4K आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मैक्सिमम HD और लो क्वालिटी में आप देख सकते हैं कुछ दो ही क्वालिटी आपको मिलती है अगर आप इसको आउटपुट लेना चाहते हैं। जैसे मैं HD में ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम दिखा देगा कितना टाइम में आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 मिनट 13 सेकंड दिखा रहा है। तो आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से वीडियोज़ को एडिट करके इस काइन मास्टर, साथ ही साथ यहाँ पे जो पावर डायरेक्टर है, दोनों से आप वीडियोस एडिट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी वीडियोस एडिट होती है। 4K और फुल HD में करना है तो पावर डायरेक्टर का यूज़ करिए। अगर आपको HD से आपका काम चल जाता है और एडवांस लेवल का आपको एडिट चाहिए वीडियोस, तो आप काइन मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। काइन मास्टर में भी आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, वाटरमार्क को डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपने वीडियोस को एडिट कर पाएंगे। दोनों एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन है वीडियोस एडिट करने के लिए यूट्यूब के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिख सकते हैं। और साथ साथ आप मुझे बता दीजिए आप किस तरह से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, तो मुझे भी जानकारी मिलेगी और भी ज़्यादा। तो दोस्तों फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।